अब हांसी के श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल में बच्चों को इंटरनेशनल स्तर की फैसिलिटीज मिल सकेंगी। बेहतरीन रिजल्ट देने वाले इस स्कूल में आज कई नई विधाओं का शुभारंभ किया गया। श्री श्री 1008 स्वामी सदानंद महाराज ने स्विमिंग पूल और स्वामी सदानंद स्टेडियम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने की। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन राजपाल यादव के अलावा प्रिंसिपल अनिल कुमार और शहर की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रही। पिछले काफी सालों से बेहतरीन शिक्षा के साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल में नए सत्र से स्विमिंग पूल, क्रिकेट स्टेडियम, तीरंदाजी, घुड़सवारी, स्केटिंग, कराटे व कई नई विधाओं को शुरू किया जा रहा है। श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल हांसी में नई सब्जी मंडी के ठीक सामने दिल्ली रोड पर स्थित है और इस स्कूल का नाम पिछले काफी सालों से बेहतरीन रिजल्ट देने वाले स्कूलों में गिना जाता है। पिछले एक साल जब कोविड के चलते तमाम स्कूल बंद थे तो ये स्कूल इस नए साल के लिए तैयारियां कर रहा था और ये तैयारियां आज दिखाई दे गई। जब स्कूल में लोग आए तो उन्हें पता चला कि ये स्कूल वाकई इंटरनेशनल स्तर का स्कूल बन चुका है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल में हूं और मेरे साथ स्वामी 1008 सदानंद जी महाराज मेरे साथ हैं। इस वक्त इन्होंने दो उद्घाटन किए हैं बड़े। हालांकि स्कूल बहुत पुराना है लेकिन दो नई चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं। एक स्विमिंग पूल जो हांसी में नहीं था किसी भी स्कूल में, और एक क्रिकेट स्टेडियम, बहुत उम्दा किस्म का क्रिकेट स्टेडियम है। आपने देख ली होंगी तस्वीरें भी। महाराज जी आपका स्वागत है एकमत पोस्ट पर। बहुत बहुत शिक्षा का अर्थ है सर्वांगी विकास। सिर्फ किताब पढ़ने सर्वांगी विकास नहीं होगा, जब तक जीवन में खेल कूद और स्पोर्ट नहीं होगा। उसी तदनुसार आज ये खेल स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, स्विमिंग पूल, क्योंकि हर इंसान को लौकिक स्विमिंग करके पारलौकिक भी तरना है संसार सागर से, पर सीखना यहीं से पड़ेगा। आज के बच्चे ही कल के नेता होंगे, आज के बच्चे ही कल के जो है विश्व के गुरु होंगे। इसी आशा के साथ ये स्कूल का जो है हम प्रारंभ किया था 20 साल पहले, और आज भाई राजपाल जी के सेवा सौंपा है, उनकी सेवा का देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उन्हीं की देख में स्टेडियम आदि बने हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आज को, और इस स्कूल के बच्चे सबसे तेज बच्चे निकले और एक उदाहरण बने भारत के लिए, यही शुभकामनाएं। एजुकेशन के मामले में आपकी संस्थाएं बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। पहले भी कई स्कूल चल रहे हैं और खासकर गौशालाएं भी आपके साथ पैरेलल में चल रही हैं, तो स्कूलिंग को लेकर क्या कहेंगे? एक साल बड़ा खराब गया था। खराब नहीं गया, जब तक जिन संकट ना आए तब तक नहीं हो। जब तक पहलवान गिरेगा नहीं तब तक पहलवान नहीं बन सकता, जब तक कोई हारेगा नहीं तब तक जीत नहीं सकता। इसी वजह ये कोरोना हमारे लिए शिक्षा दिया है कि हम एकांत में कैसे रह सकते हैं और हम एकजुट बन करके कोरोना जैसी महामारी को कैसे हरा सकते हैं। जैसे मोदी ने सारे विश्व को दिखा दिया कि भारत क्या नहीं कर सकता। भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा, क्यों रहेगा? वैक्सीन सबसे पहले भारत ने बनाई, तो वैक्सीन सिखा दिया, हम संकट में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इससे ये थे स्वामी सदानंद जी महाराज। महाराज जी शुक्रिया बात करने के लिए बहुत बहुत। और राजपाल यादव भी यहीं पे हैं, स्कूल के चेयरमैन हैं। राजपाल जी, नए तरीके से स्कूल शुरू हो गया है जी, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ में देख रहा था स्पोर्ट्स को लेके और लेके। क्रिकेट स्टेडियम मैंने शायद नहीं देखा, हिसार में भी ऐसा स्टेडियम नहीं है। मैंने बहुत स्कूलों को विजिट किया है, क्या कहेंगे? सर्वे जी, स्वामी जी के आदेश थे, इनके निर्देश थे कि स्कूल को ऐसा बनाओ जो सबसे अलग हो, तो हमने यहाँ इस सेशन से अलग अलग हर फील्ड में, आर्चरी जिसको हम तीरंदाजी कहते हैं, हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा तीरंदाज बने, स्विमिंग पूल हर बच्चा हमारा तैराक बने, क्रिकेट जो आज के युग में हर बच्चों की पसंद है, अच्छा क्रिकेट का मैदान हमने तैयार किया है, बास्केटबॉल का हमारे पास। मैं नहीं खींचूंगा लेकिन संक्षेप में पूछूंगा, जितने भी गेम्स आपने शुरू किए हैं इनके कोचिज हैं या बच्चे अपने आप करेंगे?
ये ना तो अखबारों में देने की बात है ना उस पर देने की बात है। आर्चरी का कोच आपने देखा, आर्चरी का कोच था, क्रिकेट का कोच आपके सामने है, स्विमिंग का कोच हमारे पास सब सामने है, स्केटिंग का कोच अलग है और आपका कराटे का कोच हमारे पास ऑलरेडी अलग है, उसके हम आपको अभी नमूना दिखाएंगे। 5 कोचेज हमारे पास इस स्कूल ने स्वामी जी के आशीर्वाद से डेप्यूट किए हैं, आने वाले 1 साल के अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट देंगे। यूँ नहीं है कि हम इतने इतने घुड़सवारी करेंगे, ये नहीं है, जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। स्वामी जी के आशीर्वाद से उन बच्चों को इतना काबिल बनाएंगे कि वो हमारा, शहर का, हरियाणा का, स्वामी जी का, श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट भिवानी का नाम रोशन करें, ये मेरा लक्ष्य है। कुल मिला के एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स सीखेंगे, खेलेंगे और नाम रोशन भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत भी हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ स्कूल में जो इनोग्रेशन हुए हैं, दो चीज़ों के मैंने बताया कि स्विमिंग पूल और क्रिकेट स्टेडियम, और स्कूल की भी एक तरह से रीओपनिंग है क्योंकि 1 साल तक कोरोना था, स्कूलिंग सब बंद थी, बच्चे घर से कर रहे थे, नए सिरे से स्कूलिंग शुरू हुई है। डॉक्टर साहब, क्या संदेश देंगे? इस बार तो स्कूल खुल गए हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, हांसी में ऐसे ऐसे स्कूल, मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा स्कूल मैंने आज देखा है यहाँ पर। स्वामी जी यहाँ पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की बदौलत आशी की जनता को आशीर्वाद मिले, आशी के लोग फले फूले, आशी के बच्चे दूर दूर तक जाकर देश में नाम रोशन करें। समारोह के दौरान छात्रों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। जरूरतमंदा की मदद करनी चाहिए है। जेड़ा झूठ ना बोले।